दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी। प्रदेश के सबसे लंबे हरोली रामपुर पुल पर से बुधवार देर शाम एक व्यक्ति स्वा नदी में कूद गया। हालांकि बहाव ज्यादा था, लेकिन दमकल विभाग द्वारा उफनती लहरों से शख्स को बचा लिया गया। हुआ यूं कि दमकल विभाग ऊना को सूचना मिली थी कि रामपुर पुल पर से किसी व्यक्ति ने स्वा नदी में छलांग लगा दी है। फायर ऑफिसर नितिन धीमान के नेतृत्व में दमकल विभाग के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और पानी के बहाव में फंसे व्यक्ति को रेस्क्यू किया। बहरहाल स्वा में कूदे व्यक्ति का ऊना अस्पताल में इलाज चल रहा है, क्योंकि जब उसे रेस्क्यू किया गया उस वक्त वह बेसुध था। हाँ जी, आज पुलिस थाना में सूचना मिली थी कि ऊना शहर के एक लोकल व्यक्ति ने रामपुर से जो है वो स्वा नदी में छलांग लगा दी है। स्वा नदी में जो है वो बारिश का काफ़ी पानी आया हुआ था, लेकिन स्वा नदी के बीचों बीच व्यक्ति सुरक्षित जगह पर गिरा और वहाँ से हमारे फायर ब्रिगेड पुलिस और होमगार्ड के जवानों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। उसको आगामी उपचार के लिए जो है वो क्षेत्रीय अस्पताल में भेज दिया गया है और अभी मामले की जांच चल रही है कि किन कारणों के चलते व्यक्ति को ऐसा कदम उठाना पड़ा, लेकिन व्यक्ति की जान फिलहाल सुरक्षित है। और मैं धन्यवादी हूँ हमारे फायर ब्रिगेड के जवानों को जिन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसकी जाँच की है। डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोंदपुर बनेहरा अपर में इस सत्र सिटी फार्मेसी के लिए भी दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वर्ष 2007 से भी फार्मेसी की कक्षाएं चला रहे डीडीएम कॉलेज की चेयरपर्सन चंचला देवी एवं प्राचार्य डॉक्टर अमर सिंह ने बताया कि प्लस टू उत्तीर्ण विद्यार्थी डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं, जिसके लिए 60 सीटों का प्रावधान है। इससे पहले डीडीएम में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत बी फार्मेसी की 60 सीटों हेतु दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने बताया कि डीडीएम शिक्षण संस्थान पीसीआई से अप्रूव्ड है और इसमें अत्याधुनिक सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट रूम, लैब्स, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम के अलावा अनुभवी एवं प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है। यही वजह है कि इस कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थियों की सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र की फार्मा कंपनियों में प्लेसमेंट की राह आसान होती है। डी फार्मेसी और बी फार्मेसी एडमिशन हेतु इस नंबर पर संपर्क करें।